हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एम जे क्लैक 07 में। दोस्तों आपको पता ही है मेरा छोटा सा स्मॉल टेरेस गार्डन है, तो उससे ये आप देख सकते हो फ्लावर्स फिर से उग गया है। और फ्लावर्स मैंने आपको बताया था कैसे जल्दी उगेगा, तो आपको ये जो बड़े लीव्स आप देख रहे हो ना, इनको आप साइड कर दोगे तो फ्लावर्स जल्दी आएगा। और साइड ब्रांचेस अभी आने स्टार्ट नहीं हुए, साइड ब्रांचेस भी बहुत बढ़िया तरीके से आएंगे। देखो आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, टाइम लगता है देखो हर चीज़ में। और आज मैंने कुछ नए पौधे ला के उगाए हैं, देखता हूँ कि ग्रोथ बढ़ेगी या नहीं। यहाँ देख सकते हो आप, बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर्स आएंगे इसके अंदर, बहुत बढ़िया बहुत सुंदर। ये मैंने आज ही रिपोर्टिंग करी है, रिपोर्टिंग मतलब दूसरे पॉट में लगाया पौधा ला के। और रिपोर्टिंग का मतलब यही होता है, जिन लोगों को नहीं पता वो समझ जाए। और ये देखो बेल यहाँ कितनी बढ़ के जा रही है, आप देख सकते हो। बेल को हमें वापसी यहाँ रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बेल जो है इन करेले की बेलों से अगर टच हो गई तो ये एक दूसरे को जकड़ लेंगी और पौधा जो है ग्रो नहीं कर पाएगा। एक दूसरे को जकड़ लेंगी तो मैं छुड़ा भी नहीं पाऊँगा, ऐसी जकड़ होती है। आप भी देख रहे हो ना, ये जो गोल गोल घूम रही है ये बेल है, ये बेल जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेती है, बिल्कुल पकड़ लेती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे गुड़हल के पौधे में फ्लावर्स आना स्टार्ट हो चुके हैं, हवा बहुत चल रही है। ये देखो दो फ्लावर्स अभी यहाँ पे आ रहे हैं और ऊपर भी आ रहे हैं। ये देखो ऊपर भी आना स्टार्ट हो रहा है और एक और आ रहा है यहाँ पे। देखो ये यहाँ पे भी आ रहा है, एक नहीं यहाँ पे दो आने स्टार्ट हो गए। अभी थोड़ा बड़ा होगा पता लग जाएगा, अभी तो बहुत सारे फ्लावर्स आएंगे। इसको मैंने छोटे पॉट में लगा रखा, आप देख सकते कितना छोटा पॉट है। पॉट के वजह से ही जो है पौधा कम ग्रो करता है, और पॉट जब बड़ा हो जाएगा ना तो ज़्यादा ग्रो करेगा। आप देख सकते हो दूसरी कचरी भी बड़ी हो चुकी है, ये मेरी दूसरी कचरी है और ये मेरी फर्स्ट थी, फर्स्ट पे आई थी। और अभी देखो और आ रही है, शाम हो रही है, हाथ लगाने का मन नहीं कर रहा बट लेकिन क्या करूँ, हाथ लगाना भी ज़रूरी है वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि सुबह से शाम तक ना दोस्तों टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए हम वीडियो नहीं बना पाते। तो आप लोग सोचते होंगे वीडियो क्यों नहीं आ रही, वीडियो इसलिए नहीं आ रही। यहाँ पे भी देखो, ये देखो, ये देखो यहाँ पे भी कचरी आ रही है, ये कचरी अब बड़ी हो जाएगी तो और अपडेट मिलती रहेगी। बाकी आप देख सकते हो तुलसी माता कितनी अच्छी सी ग्रो हो रही है। और आपको एक बढ़िया सी और चीज़ दिखा रहा हूँ जो मैं कल करने वाला हूँ। ये देखो ये शमी का पौधा है, शमी का पौधा सो चुका है, हाथ नहीं लगाना है। और ये मेरी करेले की बेल है, करेले की बेल अच्छे से ग्रो हो रही है बट लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे अब बिल्कुल भी जो है पत्ते श्रिंक नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मैंने ऊपर के टॉप के पत्ते तोड़ दिए थे। और जो नीचे के आप देख सकते हो ना डार्क ग्रीन पत्ते, इनको मैं सबको हटा दूँगा कल, कल आपको वीडियो मिलेगी यही वाली, सारे पत्ते हटा दूँगा। और आप देख सकते हो फ्लावर्स भी आ रहे हैं बढ़िया वाले। अब मिर्ची आने स्टार्ट हो रही हैं, क्योंकि ये सीज़न है, कोई सा भी पौधा, कोई सी भी बेल, कोई सी भी जड़, कुछ भी लगा दोगे ना। तो देखो यहाँ पे भी लगाइए दो, ये भी फ्लावर्स देंगी, अभी टाइम लगेगा थोड़ा, दो चार दिन इनको ग्रो होने में और मिट्टी में अब्जर्व करने में टाइम लगेगा। और ये देखो ये भी तुलसी माता है। और आप देख सकते हो प्याज, देखो मेरी प्याज देखते हो कितनी अच्छे से ग्रो हो रही है, बहुत बढ़िया लग रही है देखने में, बहुत प्यारी। और एक के बदली ना आप खुद उगाओगे तो आपको भी एक के बदली 6-7 प्याज ज़रूर मिलेगी। तो कमेंट करके ज़रूर बताना मेरा छोटा से स्मॉल टेरेस गार्डन आप लोगों को कैसा लगता है और कितनी मेरी मेहनत लगती है ना दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकता। मेहनत इसलिए कि 3-4 मंजिल मैं ऊपर आता हूँ, फिर जाके वाटरिंग करता हूँ, पानी डालता हूँ, सब कुछ करता हूँ। आप देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं ये फ्लावर्स, बहुत सुंदर है। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा छोटा सा स्मॉल टेरेस गार्डन। अभी मैं वीडियो प्रॉपर अच्छे से नहीं बना पा रहा क्योंकि अभी नाइट हो चुकी है, नाइट में लेट हो गया हूँ मैं ऊपर छत पे, अभी अभी आया हूँ तो लेट इसलिए हो गया हूँ क्योंकि ड्यूटी से अभी अभी छुट्टी हुई थी, थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। जय भोलेनाथ, कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बारिश का मौसम हो रहा है, बहुत ख़तरनाक बादल हो चुका है। और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा स्मॉल टेरेस गार्डन, तभी ज़्यादा हवा चल रही है और पौधों को मैंने सपोर्ट भी दे रखी ताकि हवा से टूट ना जाए। धन्यवाद दोस्तों, पूरा वीडियो देखें MJ Clack 07 का। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा मेरा छोटा सा स्मॉल टेरेस गार्डन, फ्लावर्स पौधे कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।